नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों को देते हैं विस्तार। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मराठा समुदाय द्वारा मंगलवार को छत्रपति श्री शिवाजी महाराज स्मारक समिति द्वारा पावन खिंड दौड़ का आयोजन किया गया। महाराज बाड़ा से शुरू हुई यह दौड़ सिटी सेंटर स्थित शिवाजी स्मारक पर समाप्त हुई, जहां संस्था पदाधिकारियों द्वारा दौड़ में शामिल बच्चों का सम्मान किया गया। इस मौके पर महापौर विवेक शेजवलकर और मराठा समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्नीस फरवरी को शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पर हुआ था, इसलिए हम हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी वाहन रैली महाराज बाड़े से हमने निकाली है। इसमें कई युवा 200-300 बाइकों के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करा सभी लोगों ने, और इसका उद्देश्य सामाजिक एकता के लिए, सद्भावना के लिए, और जो इस समय माहौल चल रहा है देश में, उसके ऐसे समय में शिवाजी महाराज शरीर के शासक की ज़रूरत है। जो कूटनीति, कोरिल्लावाद, जो सभी चीज़ें शिवाजी महाराज ने अपनाई थी, वो इस समय भारत को ज़रूरत है, जो इस समय भारत का माहौल है। इसलिए हम ये सब चीज़ें चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसा करे, शिवाजी महाराज की रणनीति पर चले, और इसलिए हमने ये रैली निकाली और अगली साल भी हम ये रैली निकालेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि शहरों में सिटी बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। श्री सिंह ने कहा है कि स्वीकृति बसों की खरीदी एवं संचालन की कार्यवाही समय सीमा में करें। उन्होंने कहा कि जिन शहरों के लिए कोई टेंडर नहीं आए हैं, उनके लिए फिर से टेंडर की कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया है कि विभिन्न शहर के लिए स्वीकृति 1600 बसों में से 1009 बसों की टेंडर हो चुके हैं। इनमें से 501 बस आ चुकी हैं। इस दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन गुलशन बामरा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा 18 फरवरी से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारियों द्वारा अचलेश्वर मंदिर के पास स्थित बीएसएनएल भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने यहां कंपनी की खस्ता हालात को सुधारने, 4G स्पेक्ट्रम की मांग और कर्मचारियों के वैध रिवीजन को लागू करने की मांग की है। हमारी हड़ताल 3 दिवसीय हड़ताल है। 18 तारीख से आज दूसरा दिन है, 19 और 20 तारीख तीन दिन की हड़ताल है। हमारी मुख्य मांग है हमको 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में प्राइवेट ऑपरेटरों के पास 4G है, हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि प्राइवेट ऑपरेटरों को तो मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों को सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं, जो हमको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। आज हमारे को कहते हैं कि आप घाटे में, बीएसएनएल घाटे में, तो थर्ड पीआरसी हमको नहीं मिल रही है। जो वेज रिवीजन मिलता है 10 साल में, हमारा जनवरी 2017 से ड्यू है, वो नहीं मिल रहा है। पेंशन कंट्रीब्यूशन हमारा जो एक्चुअल पे कटना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, वर्तमान में जो कर्मचारी जो पे पाता है उस पर पेंशन कंट्रीब्यूशन कटना चाहिए, लेकिन वो हमारा हायर स्केल पे ले रहे हैं। जैसे किसी का 13,000 से 26,000 स्केल है तो 26,000 पे पेंशन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जबकि वर्तमान में वो 18,000 पा रहा है, तो 18,000 पे पेंशन कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। आज हमारी हड़ताल है दूसरे दिन भी और कल भी ऐसे ही चलेगी, और अगर इसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हो सकता है हमारे दिल्ली के नेता अनिश्चितकालीन का भी कॉल दे सकते हैं। जब तक मेला चलेगा तब तक मेले में बिकने वाले वाहनों पर रोड टैक्स की छूट रहेगी। परिवहन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया है कि शासन की ओर से जारी हुए मेला छूट के सर्कुलर में यह लिखा गया था कि जब तक मेला रहेगा तब तक रोड टैक्स पर छूट जारी रहेगी। अब मेला की अवधि 27 फरवरी तक हो चुकी है। ऐसे में सर्कुलर के मुताबिक अब ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिकने वाले वाहनों पर भी 27 फरवरी तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी। गौरतलब है कि अभी तक मेला अवधि 20 फरवरी तक थी, लेकिन मेला लगने में विलंब के कारण मेला व्यापार संघ ने मांग की थी कि मेले की अवधि बढ़ाई जाए। इस मांग को मेला प्राधिकरण ने बीते रोज स्वीकार कर लिया है।
अब मेला 27 फरवरी तक गुलजार रहेगा। इससे उन वाहन खरीदारों को लाभ मिल सकेगा जो किसी कारण से अभी तक मेला से वाहन नहीं खरीद सके। यहां बता दें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से अभी तक 7000 के करीब वाहन सेल हो चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले 11 साल बाद इस बार शासन ने मेला में बिकने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी है, जिसके बाद मेले की रौनक वापस लौटी और व्यापार बढ़ा। अवैध होर्डिंग्स के मामले में नगर निगम द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि होर्डिंग्स पर की गई कार्रवाई की जानकारी पीएस की जानी थी, लेकिन संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दी गई है। ये सब गुमराह करने का प्रयास है। नगर निगम अगली सुनवाई पर होर्डिंग्स की फिजिकल सर्वे की रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि सुमन सिकरवार ने याचिका पेश कर बताया था कि ग्वालियर में कई अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं और इन होर्डिंग्स के कारण लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जब नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की तो कुछ एजेंसी संचालक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए, मगर नगर निगम ने तब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई नहीं की। जीआरएमसी के टीबी एंड चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर एमडीआर टीबी अस्पताल का स्टाफ और भवन हैंडओवर करने के लिए सीएमएचओ को पत्र लिखा है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी ने यह पत्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव के उस आदेश के बाद लिखा है, जिसमें टीबी अस्पतालों और उनके सेंटरों को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही गई है। यहां बता दें कि टीबी अस्पताल पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग की देखरेख में ही चलता था। 2008 में तत्कालीन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने दोनों विभागों को अलग कर दिया था। तब से टीबी अस्पताल ठीक से अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। इसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। टीबी रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इस उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने 6 चिकित्सालयों को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण करने का निर्णय लिया है। आदेश में ग्वालियर सहित भोपाल, सागर तथा छिंदवाड़ा जिलों के टीबी अस्पतालों को हस्तांतरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते अब शहर में संचालित टीबी अस्पताल को जीआरएमसी को जल्द ही हस्तांतरित किया जाएगा। टेकनपुर सीमा सुरक्षा बल एकेडमी के द्वारा मंगलवार को 124 नवागत जेल प्रहरी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीरांगना लक्ष्मीबाई दीक्षांत परेड मैदान पर आयोजित हुआ। इन सभी नव जेल प्रहरी को एकेडमी के द्वारा फिजिकल और हथियारों की ट्रेनिंग के साथ खेलकूद और शासकीय सेवा से संबंधित जानकारी का अध्ययन करवाया गया है। इसके बाद मंगलवार को इनका प्रशिक्षण पूरा होने पर इन्हें सेवा की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा मंगलवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। वे यहां विभिन्न निजी और शासकीय योजनाओं में तो शामिल होंगे ही, साथ ही इससे पहले पत्रकारों से चर्चा कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हुए इसका माकूल जवाब देने की भी बात कही। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है एक मजबूत सक्षम सरकार देश में है और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद के जो नर्सरी हैं, आतंकवाद के पोषण करने वाले जो देश हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देश देखने के लिए सक्षम है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और विगत वर्ष में पर्यटन में 9% की बढ़ोतरी हुई है।
विश्व में हम 65 से 40वें स्थान पर आ गए हैं और ग्वालियर को भी पर्यटन की दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भारत विश्व पर्यटन की देश थे, हम 65वें स्थान पर थे, आज हम 40वें स्थान पर आ गए हैं। 25 अंकों का हमारा जो बढ़ोतरी हुई है, विश्व के लोगों की भारत में विश्वास बढ़ा है और भारत के पर्यटन में विश्वास बढ़ा है। जहाँ 1,56,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हम पर्यटन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उसमें मध्य प्रदेश और ग्वालियर का विशेष महत्व है। और मैं समझता हूँ ओवरऑल मध्य प्रदेश के पर्यटन में प्रगति हुई है। ग्वालियर के पर्यटन को भी और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगभग 99 करोड़ रुपए की एक योजना यहाँ जारी की गई थी, उसका पर काम शुरू हो चुका है, काफ़ी कंप्लीट भी हो गया है और मैं समझता हूँ यहाँ के पर्यटन को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। ग्वालियर के एनसीसी मुख्यालय पर उस समय हंगामा हो गया जब यहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा देने पहुंची छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। यहां तकरीबन 30 छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया जबकि वे अपने 4 साल की ट्रेनिंग सेशन पूरा कर चुके हैं। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंधित में सीओ से बात की तो वे बाबुओं और अन्य कर्मचारियों की गलती बताकर उन्हें टालते नजर आए। सर, हमारे एक्सटेंड वाले ये क्या एनसीसी सर्टिफिकेट का एग्जाम में एग्जाम देने के लिए आए थे हम यहाँ पे, हमारा है उसमें लिस्ट में नाम नहीं है और हमने फॉर्म वॉरम सब भर दिए थे और यहाँ पे हमने आके चेक किया तो उन्होंने एक्सटेंड में हमारा नाम ही नहीं है, इसमें नाम ही हट गया सर हमारा। हम 25 कैडेट हैं, हम ये अपना नया मांग रहे हैं, हमारा एग्जाम होना चाहिए सीसाबेड का क्योंकि हम अपना एग्जाम के लिए अपना भविष्य, हमारा कैरियर 4 साल की मेहनत ख़राब हो रही है क्योंकि हम कैडेट एनसीसी में 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद हमें अभी एग्ज़ाम में नहीं दिया जा रहा है। हमने सी सर्टिफिकेट के लिए हमने एनसीसी ज्वाइन की थी और एन टाइम पे लास्ट चांस है, उसमें हमें बैठने नहीं दे रही है। जैसे हम 25-30 छात्र हैं, हम ये हमारे बता रहे हैं एक्सटेंथ में आपके एनओ ने नाम नहीं दिया और एनओ बोल रहे हैं कि हमने आपके नाम पहुँचा दिए हैं, बाबुओं की गलती है, बाबुओं से हमने बात की है तो वो कह रहे हैं कि सीओ सर से बात करो, सीओ सर से बात कर रहे हैं तो वो भी नहीं है और टीओ भी साहब आ गए हैं, उनसे भी बात की है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ से। बाकी सब छात्र पेपर दे रहे हैं, हम ही 30 लोग हैं, उनका एग्जाम नहीं देने दे रहे। ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट का है, ये मतलब आर्मी में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, इससे हमें मतलब बहुत बोनस वगैरह मतलब आर्मी में छूट मिलेगी, इससे सी सर्टिफिकेट हमें रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। और ये सी सर्टिफिकेट के लिए हमने 4 साल मतलब 4 साल खर्च किए थे, 4 सालों के लास्ट चांस में आके हमको देने एग्जाम नहीं देने पा रहे हैं। पता नहीं, सब लोग बता रहे कि एनओ की गलती है, एनओ बता रहे कि सीओ की गलती है, वो कह रहे बाबू की गलती है, कोई पता नहीं सीओ के यहाँ वो कोई एनओ की नहीं है गलती, यहाँ पर पता नहीं, वो कह रहे तुम्हारी गलती है लेकिन हमें आज ही पता चला कि हमारा नाम नहीं है उसमें, हमें पहले बताया नहीं था लेकिन आज आए थे, हमको 9 बजे का टाइम दिया था, 9 बजे आए, हमारा लाइन में लगे थे तो उसमें नाम नहीं था हमारा, अब कह रहे आप जाओ यहाँ से, ऐसा थोड़ी होता है। अब क्या करें सब, पता नहीं, प्रदर्शन करेंगे, न्याय मांगेंगे।